स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट में। दोस्तों अगर आप न्यू है हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखते हैं kinemaster की हेल्प से वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। तो ये kinemaster ओपन है, यहाँ मीडिया से हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड चूज करने के बाद अब हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसका हमने 8 सेकेंड का साइज कर लिया। अब हम उस वीडियो को चूज करते हैं जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। तो मैं एक छोटा सा एनिमेशन ले लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा जिससे वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। तो देखिए, ये मैंने अपने चैनल के लोगों का ही एनिमेशन ले लिया। इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ब्लैक है। तो इसके लिए तो प्ले करके देख लेते हैं। आपके सामने प्ले हो रहा है, देखिए ब्लैक बैकग्राउंड पर रहिए। एक बार फिर प्ले करके दिखा देता हूँ, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब क्या करना है, इसको नीचे टूल्स में जाकर प्रेस करिए। अब प्रेस करने के बाद देखिए, यहाँ पर राइट साइड में कुछ मीनू ओपन हो गए। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रोमा की, इस क्रोमा की को आप प्रेस करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल हो गया। अब देखिए, ये बैकग्राउंड था बिल्कुल वाइट कलर का शो हो रहा। तो यहाँ पर दो की हैं आपको दिख रही हैं, एक 28% पे, एक 50% पे। इसको इधर उधर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको अभी रैंडमली सिलेक्ट कर किया मैंने। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं कुछ चेंज आया। देखिए यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, इसका रीजन क्या है उसके लिए देखिए, यहाँ पर आपको एक की कलर दिख रहा है ग्रीन कलर का। इस कलर को हमें चूज करना होता है जो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड होता है। उसके बाद हम ऊपर जो टूल्स थे उन्हें मूव करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ ट्रायंगल में एक सर्कल दिख रहा है छोटा सा, इस सर्कल को देखो हमने लेफ्ट साइड पर कर दिया। और जो सर्कल पर एक छोटा सा सर्कल है इसे कहीं भी छोड़ दीजिए। अभी हमारा ये कलर ब्लैक कलर हो जाता है। इधर देखिए, यहाँ पर 8255 लिखा है, इसके नीचे ब्लैक कलर हो गया। यहाँ पर अब वापस चलते हैं, यहाँ पर अब देखिए की कलर हमारा ब्लैक हो गया। अब जो हमारी जो दो की दिख रही हैं ऊपर, पहले ने फिर से मूव करा के दिखा देते हैं। देखिए इसका ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड। अब इसको ठीक से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा की कलर तो ब्लैक हो गया। अब इन्हें जो 67 थी उसको 65 पे एडजस्ट करना है। फिर से मूव करके देख लेते हैं इन्हें। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा लोगो भी थोड़ा सा इरेज हो गया, इसलिए फिर से इसको ठीक से करते हैं। अब देखिए इसको 65 पर करूँगा, 65 पर बिल्कुल क्लियर आ रहा है क्योंकि मैं एक बार पहले से इरेज करके देख चुका हूँ, फिर आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो नीचे वाले को मैं 14 पर रखूँगा, ऊपर वाले को 65 पर हमारा लोगो भी इरेज नहीं होगा और बैकग्राउंड फुली तरीके से इरेज हो जाता है। तो ये टूल्स काफ़ी स्मॉल है इसलिए यहाँ पर प्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये 65 पर हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो को फिर से प्ले करके दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है इसलिए यहाँ पर ठीक से प्रेस नहीं हो पा रहा 65 पर। ये 65 पर अब रुक गया है। अब आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल हमारा जो बैकग्राउंड था ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर इसको और पूरी स्क्रीन पर इधर उधर मूव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इरेज हो गया। तो दोस्तों इसके लिए एक ही कंडीशन है, जो आपका की कलर था आपके वीडियो का बैकग्राउंड कलर वो आपका सिंगल कलर में होना चाहिए। अगर आपका सिंगल कलर है तभी ये अच्छे से रिमूव होता है। अगर आपने वीडियो किसी पब्लिक प्लेस पे बनाया है तो वो अच्छे से इरेज नहीं होता है। तो उसमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं बैकग्राउंड में, इसलिए आप जब भी कोई वीडियो शूट करें तो किसी रूम के अंदर करें और बैकग्राउंड में आपका सिंगल कलर होना चाहिए। कुछ लोग ग्रीन कलर बोलते हैं
ग्रीन कलर जरूरी नहीं है, कोई भी कलर हो लेकिन सिंगल कलर होना चाहिए। मैंने आपको ब्लैक कलर रिमूव करके दिखाया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।